प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, आज 2 जून है, तेलंगाना का यौम तासीस है यानी कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे। इसके तहत कल रात ही से शहर की मुख्तलिफ मॉन्यूमेंट्स, मुख्तलिफ सरकारी दफातर की इमारतों को जगमगाया गया है, डेकोरेट किया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और आज मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई की गई है। ये तो रोज़ी पिक्चर है, मगर हैदराबाद के सारे इलाके इस तरह से खूबसूरत नज़र नहीं आ रहे हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये मंज़र आसिफ नगर रोड रहनुमा के दफ्तर के बाजू की गली का है, जहां पर कचरे के अंबार नज़र आ रहे। जब से हैदराबाद में डस्टबिन उठा दिए गए हैं, पता नहीं हुकूमत को ये कैसे ख्याल आया कि बिन लेस सिटी बनाया जाए, जबकि ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई तैयारी होती है, ना ही शहरियों में वो ट्रेनिंग है कि कचरा किस तरह से कहाँ जो है फेंकें। तो बहरहाल ये नज़ारा देखिए आप, सारे कचरे के अंबार हैं। हालांकि GHMC का बैनर लगा हुआ है, उसमें नोटिस लगाई गई है, यहाँ पर कचरा फेंकेंगे तो ₹1,000 फाइन है। जुर्माने की वार्निंग के बावजूद यहाँ पर आप पूरी रोड देखिए कचरे से भरी हुई है। और ये सिर्फ यहीं का नहीं है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर डस्टबिन हुआ करती थी वो पूरे कचरे के अंबार में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि हुकूमत ने कुछ घेराबंदी की है जहां पर पहले डस्टबिन होते थे ताकि लोग वहां कचरा ना फेंकें, मगर कचरा फेंकने का मुसलसिल सिलसिला जारी है। और फिर इस तरफ हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे पा रही है और शहर को साफ व पाक रखने से खासिर है। नाज़रीन इकराम, तेलंगाना में स्कूल ड्रॉप आउट्स, जो बच्चे मुख्तलिफ वजूहात से तालीम को जारी ना रखते हुए स्कूल से गायब हो जाते थे, उन्हें ड्रॉप आउट्स कहा जाता है, तो ये ड्रॉप आउट्स को दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी का क़याम अमल में आया, जिसके तहत SSC और इंटरमीडिएट ओपन स्कूलिंग, ताकि बच्चे फिर से जो है एग्ज़ाम दें और अपनी तालीम को जारी रखें। मगर जब से कोविड आया है ये मामला हो रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि सारे SSC के बच्चों को पास कर दिया गया है, वो इंटरमीडिएट में दाखिला ले सकते हैं, मगर ये ओपन स्कूल के तहत जो SSC हो रहा है उसका ना तो इम्तिहान वक्त पे हो रहा है, ना ही इम्तिहान ना होने की वजह से रिजल्ट्स का ऐलान वक्त पे किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे इंटरमीडिएट में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, मुख्तलिफ वोकेशनल कोर्सेस में दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका साल पिछले साल भी बर्बाद हुआ और इस साल भी वही हाल है। तो ये हालात को मद्देनज़र रखते हुए सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की हरकियाती कायद डॉक्टर लुबना सरवत ने नोट लेते हुए चीफ मिनिस्टर को ख़त लिखा और मुख्तलिफ ऑफिशियल्स को, डायरेक्टर तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी को भी मुतवज्जो कराने की कोशिश की। और डॉक्टर लुबना सरवत साहिबा का ये कहना है कि हुकूमत तेलंगाना ओपन स्कूलिंग से सौतेला सलूक कर रही है। तो इस ताल्लुक से हम डॉक्टर लुबना सरवत से इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर लुबना सरवत, आपका BVN चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो ज़रा ये बताइए, आप जो तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के तहत जो SSC का इम्तिहान होता है, SSC बच्चे पास करके दूसरे कोर्सेज में दाखिला लेने का जो मौका फराहम किया जाता था, ये पिछले 2 साल से क्या चल रहा है? देखिए, ये आंध्र प्रदेश के टाइम से है, यूनाइटेड जब स्टेट था, AP ओपन स्कूल कहा जाता था, जब तेलंगाना होने हुकूमत आने के बाद तेलंगाना ओपन स्कूल हो गया। ये अच्छा बात है कि वो लोग उसको रद्द नहीं करे और उसको कायम रखे। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक्चुअली क्या है, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन, ये 2-3 किस्म के लोग रहते भाई इसमें, जिसकी रेगुलर एजुकेशन नहीं हो पाई और वो लोग आते इसमें, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक न रहने की वजह से ड्रॉप आउट हो गए स्कूलों में से, वो लोग आते इसमें,
और औरतें जिसकी जल्दी शादी वगैरह हो गई वो लोग अभी एजुकेशन करना चाह रहे हैं, तो ये जो मेन स्ट्रीम में नहीं रह सके, रेगुलर जिसका एजुकेशन नहीं रह सके, यानी सोशली मार्जिनलाइज्ड और फाइनेंशियली मार्जिनलाइज, ये दो किस्म के लोग आते हैं इसमें। यानी क्या है, सरकार को इनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए इनकी तरफ एक खास तवज्जो रखने की, एक पॉपुलेशन है वहां पर वो दिलाना चाह रही। मैं क्यों उनकी बोली कि ये ओपन स्कूल में कैसे लोग आते हैं, इसकी बैकग्राउंड में क्यों दी मालूम, इसके तरफ सरकार की हेल्थ मिनिस्टर सॉरी एजुकेशन मिनिस्टर की और एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी की, इनके तरफ एक खास तवज्जो रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने कंडीशन से सरकमस्टेंसेस से लड़ के कुछ आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे लोगों को एंकरेजमेंट मिलने का जाके इनके तरफ से एक तो बहुत ही बायस्ड अप्रोच हो रहा है। लास्ट ईयर भी आप सोचिए जरा, 10th क्लास जब आप पास डिक्लेयर कर रहे हो, आप एजुकेशन मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं कर रहे भाई, ये तो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहे, जबकि एजुकेशन मिनिस्टर डिक्लेयर कर सकते थे, चलिए वो भी एक्सेप्टेड। जब मिनिस्टर डिक्लेयर चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहे हैं कि 10th का रिजल्ट यह है, तो 10th के रिजल्ट में आप तर्क कैसा कर रहे हैं भाई, ओपन स्टूडेंट्स, ओपन 10th स्टूडेंट्स, ओपन इंटर स्टूडेंट्स में और रेगुलर 10th स्टूडेंट्स में आप तर्क कैसा क्या ला रहे? आप जब डिसीजन अनाउंस कर रहे हो तो दोनों की, ओपन स्कूल डिपार्टमेंट से और रेगुलर डिपार्टमेंट से, एसएससी बोर्ड अलग है और ओपन स्कूल की बोर्ड अलग है, तो ये दोनों बोर्डों से आप ताल्लुक रखे, दोनों की एक बराबर आप रिजल्ट क्यों डिक्लेयर नहीं कर सक रहे, आप उनको अलग क्यों मान रहे हो? पहले स्टेप तो पहली गलती वहां हो रही कि आप उनको अलग मान रहे हो भाई, वो लड़के निकल के आके पढ़ रहे, उनको स्पेशल अप्रिसिएशन देना चाहिए था, आप तो उनको और भी पीछे ढकेल रहे हो। अब हालात क्या है, अब हालात क्या है, देखिए कई बच्चियां जिसको अपन आते भाई काउंसलिंग के लिए कि आगे क्या पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है और फीस की बंदोबस्त कैसी हो सकती, कोई प्राइवेट में जाना चाह रहे भाई उनकी ख्वाहिश है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहे, यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो फाइनेंशियली बैकवर्ड है वो लोग जो हमारे पास आते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो उन लोगों में से जो रेगुलर है वही लोग बोल रहे कि भाई हम सेंटेंस में गए बंद हो गया, हम वहां गए बंद हो गया, तो अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे वो लोग, क्योंकि उसमें से एक बच्ची है फाइनेंशियली जो बैकवर्ड थी, उन्हें लॉयर बनना चाह रही उन्हें, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि उनको सही जगह में जाए, ताकि उनको आगे इंटीग्रेटेड कोर्स में डाल सकते, 5 साल की इंटरमीडिएट होती उनको 5 साल की लॉ कोर्स में जा सकते। ये कितनी बेहतरीन बात है कि एक गरीब घर की बच्ची एक लॉयर बनना चाह रही है, ये तो सरा कि उसको आगे बढ़ने की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती, लेकिन उनको जो है सेंटेंस में सीट नहीं मिली तो कोई और कॉलेज में जा रहे, ठीक है वहां पर दिला रहे। तो अब ये जो ओपन 10th की स्कूल जिसकी हम जो ओपन 10th में एडमिट कराए और जिनको अभी उनकी रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुए, अब उनको लेके मैं क्या करूं? वो लोग तो मेरे साथ खड़े हैं, उनकी भी तो हमारे तरफ से स्पॉन्सर हुई है, वो लोग बोल रहे, वो लोग अभी रिजल्ट कब आएगा जब रेगुलर को ही बराबर सीट्स नहीं मिल रहे हैं, जिसके 10.10 है, जिसके 8.5/10 है, तो ओपन स्कूल की जिसके अभी रिजल्ट भी नहीं आए उनकी क्या हालत है? रिजल्ट तो दूर की बात है, अभी तो जुलाई में इम्तिहान लेने की तैयारी हो रही है। नहीं मुझे ये बताएगा तो मैं बात करी, क्योंकि लोगों में इसको स्पॉन्सर की जिम्मेदारी 31 मई तक के फीस पे करने की आखिरी तारीख थी। हाँ तो मैं देखिए कितने गलतियां हैं यहाँ पर। पहली बात, आप उनकी अभी क्या चल रहा, तो मैं हम जब स्कूल से डायरेक्टर से सब ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर से बात कर रहे हैं, तो वो लोग बताए कि अभी हम असाइनमेंट्स ले रहे हैं क्योंकि असाइनमेंट के बुनियाद पे इनके मार्क्स देना है, तो असाइनमेंट आप देरी से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम फीस की डेट लेट तक एडमिशन चले, लेट आप एडमिशन क्यों करें? क्योंकि आप लेट ओपन करें, लेट आप ओपन क्यों करें भाई? आप लेट ओपन करें तो आप बच्चों पे डालेंगे वो पूरा। आप और अच्छा, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा, ये जो लेट हो रहा है, मैंने देखा कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है, तो क्या ये इन लोगों की हैबिट है कि एसएससी के रेगुलर एसएससी के काफी देर बाद ये TOSS के जो इम्तिहान है वो कंडक्ट करते हैं? क्या इनके कैलेंडर में ऐसा ही है रेगुलर? नहीं, मैं एक बताती हूँ आपको, इनकी एग्जामिनेशन की कैलेंडर लेट नहीं है। अच्छा। लेकिन इनकी एडमिशन की कैलेंडर बहुत लेट है। ओके, जब रेगुलर स्कूल्स, कोविड की छोड़ दीजिए, जब रेगुलर स्कूल्स जून में जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं, ओके, तब इनके जो एडमिशन है वो खुलते हैं अगस्त सितंबर में। अच्छा। तो वहां पर एडमिशन ही लेट हो रहा है आपको, और इनकी जो है संडे संडे इनकी, और एडमिशन इतनी दूर चलाते, 3 महीने तक चलाते, यहाँ तक कि जनवरी अगले साल की, जबकि एग्जामिनेशन के सिर्फ 3 महीने रहते, तब तक इनके एडमिशन चलते रहते।
तो उसके बाद क्लासेस बराबर नहीं होते, क्लासेस में असाइनमेंट लेना रहता, असाइनमेंट नहीं लेते, कहते हैं कि और एडमिशंस कर रहे, तो आपको सिर्फ रेवेन्यू की बात हुई ना वहां पर, वहां पर ये रेगुलर इनकी एजुकेशन देना, इनको जल्दी एडमिशंस बंद करना और उनको संडे संडे क्लासेस चलाना, उनकी असाइनमेंट्स लेना, ये बात नहीं हुई ना, तवज्जो फोकस वाज नॉट दैट, फोकस वाज कि हम और कितना एडमिशंस ले सके, हमारी रेवेन्यू कितना बढ़ सके, फोकस तो यही हुई ना बात। तो आप इनके पास से आप इतना इतना ले रहे और उसके बाद फीस ले रहे, आप सब एग्जामिनेशन फीस ले रहे और इनको आप आखिरी में ये हालत में रख रहे हो कि रेगुलर की अनाउंस हो जाती बाजी हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, अरे हमारा क्या हुआ, आपके चीफ मिनिस्टर साहब को रेगुलर टेंथ और ओपन टेंथ एक बराबर नहीं दिखते भाई, जबकि इंटरमीडिएट को जब आप कॉलेज जाते हो तो कोई तर्क नहीं करना है, रूल के बराबर उसकी एक्ट के तहत में दोनों एक बराबर है, तो एक बराबर रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा है, जबकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था, डायरेक्टर से लेके हर किसी से बात करना पड़ा, वो लोग डायरेक्टर्स खुद बोल रहे मैडम आप चीफ मिनिस्टर को लिखिए, बादशाह को लिखिए, तो हम लिखे भाई क्योंकि बच्चों का सवाल है, जिंदगी का सवाल है, हम लिखे, लिखने दो तीन लिखने के बाद उसके बाद अनाउंसमेंट आया कि क्यों कि डायरेक्ट सबको पास कर दो, सबको प्रमोट कर दिया गया, उसमें से ब्राइट स्टूडेंट को भी सिर्फ प्रमोशन हुआ, यानी सबको पास। अभी क्या हुआ, अब असाइनमेंट्स की बुनियाद पर इनको मार्क्स देना है क्योंकि वो सही तरीका है, पिछले बार हम लिखे थे कि इनकी असाइनमेंट्स के बुनियाद पे इनको दो, तो आप असाइनमेंट्स ले रहे तो इतनी लेट हो रही, देरी हो रही कि असाइनमेंट्स आप सबके अभी अभी कलेक्ट नहीं हुआ, सबके असाइनमेंट्स पिछले साल ऐसा होने के बाद इस साल इंप्रूव करना चाहिए था, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए था, मौका था, हाँ, हर बार लिख रहे, अरे कोई ना कोई आपको लिख रहे, कोई ना कोई पुकारा कर रहा, कोई ना कोई आपके सामने रिप्रेजेंटेशन ला रहे कि भाई गलती हो रहा जरा ठीक कर दीजिए, गलती हो रहा ठीक कर दीजिए, वरना वो नहीं हुआ और इस साल दोबारा आप वही आप तरक करें आप दोनों के बीच में, जबकि लॉ बोल रहा कि इनकी टेंथ और इनकी टेंथ एक बराबर की है और गलतियां पूरे आपकी तरफ थे, बच्चों की क्या गलती थी, तो ये दिस इज हाईली अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि उन लोग को आप स्ट्रेस में डाल रहे हो जबकि आप उनकी पहले डिक्लेयर करना चाहिए था, आप उनकी तरफ तवज्जो देना था, क्योंकि वो लोग मार्जिनलाइज है भाई, फाइनेंशियली बैकग्राउंड साउंड नहीं है उनका, सोशल बैकग्राउंड साउंड नहीं है उनका। तो आपने जब खत लिखा है चीफ मिनिस्टर को, कोई रिस्पॉन्स आया? नहीं, रिस्पॉन्स नहीं, कोई सरकार के पास से मुझे कभी रिस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा, कहीं कभी नहीं आता रिस्पॉन्स, हालांकि वहां के ऑफिसर्स पूरे मुझे बहुत बार बोल चुके, क्योंकि मैं काफी मुद्दों पे लिखते रहती हूँ, सब मुझे बताए, ऑफिशियल अलग बताए कि आपकी हर मेल पढ़ी जाती मैडम, बोले मैं मुझे बोला गया। ये बड़े अफसोस की बात है, आप एक इतनी जो है अच्छे कॉज लेकर निकलती हैं जो भी काम आप करती हैं, खासतौर पर ये बच्चों का मुस्तकबिल एक साल ख़राब ना हो, इस ताल्लुक से आपने जब ख़त लिखा है तो अखलाकी फरीज़ा बनता है कि आपका ख़त वसूल हुआ है और हम इस पे काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो जवाब देना चाहिए ना भाई। मैं मेरा है मालूम ये सरकार से कि हम आप जवाब ना को दो भाई, हमारे को जवाब की तो हम नहीं कर रहे, शो मी द एक्शन काफ़ी है, मैं खुश, क्योंकि कैसा है मालूम अभी कि रिस्पॉन्स इज नॉट वॉट आई वाई वॉन्ट द रिस्पॉन्स इन एक्शन, ओके बाय रिस्पॉन्स मुझे कहा, मुझे एक्शन में दिखना, एक्शन यानी क्या, फौरन आप हेल्थ सेक्रेटरी को क्यों नहीं बोले भाई, एजुकेशन सेक्रेटरी को कि क्या हुआ इनके असाइनमेंट्स का, मैं कुछ भी नहीं आया स्टेटमेंट कहीं से भी, वो लोग आराम से ले रहे हो भाई, जितना लेना ले हो भाई, कब तक लेते रहते हैं आप असाइनमेंट, कब इनके रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तो मैं इसीलिए मेरी रिप्रेजेंटेशन में मैं क्या बोली, आप फौरन एक डिक्लेयर दो कि जो भी ओपन टेंथ का पास स्टूडेंट, उन्हें उनकी चॉइस होना चाहिए, वो गवर्नमेंट कॉलेज में गए तो एडमिट हो जाना, वो प्राइवेट में गए तो वो एडमिट हो जाना, उनकी चॉइस ग्रुप रहती है उनकी, क्योंकि हर कोई एक ग्रुप नहीं लेना चाह रहा, फर्ज करो बच्ची जो लॉयर बनना चाह रही मेरे पास है उसी से ले रहे हो, तो मैं उनको गाइड कर रही कि आप एजीसी भी ले सकती हो, एमईसी भी ले सकती हो, उनको नहीं मालूम था ग्रुप्स, ठीक है, तो ये लोगों को चॉइस होना चाहिए, तो मैं रिप्रेजेंटेशन में लिखी मैं कि आप जो है फॉरन रूल निकालिए कि इनकी रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद इनकी चॉइस ऑफ कॉलेज में इनके एडमिशन होना जरूरी है, और ये रेगुलेशन आना इसलिए जरूरी है मालूम, क्योंकि आप मैसेज देते हो, जब आप इतनी ऐसी रेगुलेशन निकालती हो तो आप दो मैसेजेस देते हो, एक तो यूर एक्नोलेजिंग कि आपकी एक गलती हो गई है भाई और दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, इसलिए आप लोगों को इन लोगों को एक स्पेशल कंसिडरेशन दे रहे हो, और दूसरी एक मैसेज जाएगी कि भाई ओपन टेंथ वालों के लिए इतना एक कंसिडरेशन है, तो एंकरेज होके लोग आएंगे। देखिए हम यहाँ पर 24/7/365 लिटरेसी ड्राइव्स चलाते हैं हमारे पर, हमारे पास कई किस वजह कि ये लोग जो बच्चे बच्चियां हैं ओवर एज क्लासेस में बैठी, एक बच्ची जिसको अभी मैं ओपन टेंथ में डाली उन्हें ओवर एज सेवेंथ में बैठी थी, सेवेंथ से भी एट को जाएंगी, एट से नाइन टेंथ तो कब होएगा उनका टेंथ, उनका टेंथ तो 17-18 साल को टेंथ होएगा,
मैनेजमेंट प्राइवेट मैनेजमेंट नहीं बोले, नहीं प्रमोट करते, टेंथ को बोले ठीक है तो हम निकाले बाहर उनको और ओपन टेंथ में डाले। क्यों? बच्ची की वालिद नहीं है, बच्ची की वालिदा के पास इनकम नहीं है, तो इनका क्या है, एक एक जिंदगी, एक एक साल कीमती बन जाता। एक एक एकेडमिक ईयर जब बच्ची का है खास करके, तो उनको आगे ढकेलना, जल्दी जल्दी आगे ढकेलना उम्र के बराबर, ताकि वो खुद पैरों से पे खड़ा हो सके। अपनी अपनी जो इल्म की जो फराइज है, हर सिटीजन के ऊपर फर्ज है वो, कि हम इल्म वाले बने और सोसाइटी को अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे जब उनकी पढ़ाई बराबर नहीं है, तो उनकी फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, वो खाना क्या खा रहे हैं, वो न्यूट्रिशन क्या खा रहे हैं, कौन बच्चे दूध पी रहे, दूध कहाँ पी रहे भाई। ये बच्चों की इनके जो कॉग्निटिव एबिलिटीज जो बोलते हैं ना, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, कॉग्निटिव एबिलिटीज, वो न्यूट्रिशन कितना इंपैक्ट करता है मालूम इनके ऊपर। जब हालात ही सही नहीं है, फाइनेंसिस सही नहीं है इनका, तो क्या खा रहे होंगे, और उसके ऊपर से रेशन कार्ड्स नहीं है इन लोगों के पास, कितने लोग हजारों के पास रेशन कार्ड नहीं है, तो आखिर क्या खा रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, कौन तवज्जो देना भाई इसके ऊपर। और ये जो थरक करके जो कर रहे हैं ना, वो बहुत ही, इट इज नॉट बिकमिंग ऑफ ए सीएम कि आप थरक करें, जबकि आपको पहले बार भी, पिछले साल भी यही जून में, यही मई में आपको रिप्रेजेंटेशन आए थे, तो आप तरक कैसा करें, या आपको कोई गाइड नहीं कर रहे क्या, आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहे क्या, या आपको याद नहीं है क्या, ये क्या कैसा चलता भाई यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बगैर ये काम कैसा चलता, वो सीएम के लेवल पे मेरे मेरे समझ के बाहर है एक्चुअली। ऑटोमेटिकली जब पिछले साल ये गलती हुई थी, इस बार ये जो है ओपन स्कूलिंग एसएससी को शामिल कर देना था, कर देना जब चाहिए जब ऐलान किया गया है तमाम एसएससी के बच्चों को ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिया गया है, तो ये बच्चों को भी शामिल कर देते तो बड़ी आसानी से जो है मुख्तलिफ कॉलेजेस में जा सकते थे। अब जब मेरा आखिरी सवाल ये है, ये जो ओपन स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं, इनका तालीमी मेयार कैसा होता है, क्या ये अच्छे बड़े बड़े कॉलेजेस में जहाँ का स्टैंडर्ड हाई है वहाँ पे एब्जॉर्ब होने के काबिल होते हैं बच्चे? हाँ देखिए भाई, मैं क्या करी बोले तो, जो ओपन स्कूल में मैं जो एडमिट कराई, मैं उनको, क्योंकि मैं देखी कि ओपन स्कूल में क्लासेस नहीं हो रहे, तो मैं इनको ट्यूटोरियल्स में एडमिट कराई, ताकि क्या होता, ट्यूटोरियल्स में इनका रेगुलर जा रहे स्कूल के जैसा, हालांकि फुल स्कूल रेगुलर नहीं होता, आफ्टरनून से चल रहे थे ट्यूटोरियल्स, आफ्टरनून टू इवनिंग, तो वो करा रही थी मैं इन लोगों को। वो ट्यूटोरियल्स भी ऐसे अच्छे थे कि वो लोग जब ये बंद हुआ था तो वो लोग ऑनलाइन चलाए, वो भी वो फैसिलिटी भी था वो ट्यूटोरियल में, तो क्या हुआ वो फैसिलिटी रहने की वजह से दे वर इन टच ऑलरेडी, ये स्कूल में थे, स्कूल में ओवर एज थे या कोई ड्रॉप आउट्स भी रहते। आई एम नॉट टेलिंग कि ये लोग एकदम काबिलियत, आप किसकी बोल रहे, कोई प्राइवेट स्कूल में है तो एकदम काबिल है, ऐसा नहीं है। सी इट इज नॉट, और वो लोग पिकअप नहीं कर सकते, ऐसा कौन बोल रहे हैं। सो इसीलिए ये लोग क्या प्राइवेट स्कूल में, बड़े बड़े कॉलेजेस में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में उसकी काबिलियत रहेंगे, यानी ये एक स्टैंडर्ड या ये एक शक जैसा या एक ये माइंड में ख्याल लाना भी मैं गलती मानती हूँ इसको। नहीं, मैं कोई शक नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनका कट ऑफ जो होता है ना जी, वो जी हाई होता है, इसीलिए पूछ हाई होता है। अब ये ऐसे कॉलेजेस के एडमिशन पहले बंद होते हैं, पहले बंद होते हैं। और आपका सवाल आप जो पूछे ना वो सही पूछे आप, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये जो शक बोल के जो लाई ना, मैं जानबूझ के लाई है, क्यों मालूम? अगर कोई ऑफिशियल इसको देख रहे या ऑफिशियल तक ये बात चले जाए और मिनिस्टर्स तक ये बात चले जाए ना, उनको थोड़ा समझ आना चाहिए कि ओपन स्कूल की स्टैंडर्ड्स को आपने बढ़ाना चाहिए। मैं खुद आपको बताई ना, मैं ओपन स्कूल्स में इनकी यहाँ ना प्रोस्पेक्टस में डेट्स लिखे रहते कि ये डेट्स में क्लास होना चाहिए, क्लासेस नहीं होते, आपको क्लासेस नहीं क्यों नहीं कर रहे सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैडम टीचर्स को जो पेमेंट दे रहे ना वो बस नहीं होता, इसी ओपन स्कूल में क्लासेस बराबर नहीं चलते, असाइनमेंट बराबर नहीं लेते, तो देखिए प्रॉब्लम्स कितने हैं। ओपन स्कूल जैसी चीज को आप बजट कितना दे रहे हो, आप लिटरली ड्राइव्स चलाइए, ड्राइव्स चला के आप गली गली में जाके बोलिए, आप ये कसम कहिए ना भाई कि हम लोग तेलंगाना को पूरा 100% टेंथ करेंगे, बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग सब, और कितने चाइल्ड लेबर है भाई, उनकी टेंथ कब होनी चाहिए? क्या आपकी फर्ज नहीं है कि आप कॉर्पोरेटर की मदद ले लो, आप एक एक कॉर्पोरेट एक एक वार्ड को ले लीजिए, वार्ड की कॉर्पोरेटर की मदद लीजिए, और पूरे अपोजिशन के जो भी पार्टीज रहेंगे और वहां के जो एनजीओ रहते हैं, एक एक वार्ड में आप चलाइए लिटरेसी ड्राइव, आप आसिफ नगर लिटरेसी ड्राइव चलाइए, ओपन टेंथ के एडमिशन खुल चुके भाई, आइए एडमिशन के लिए, कभी देखे आप ये लिटरेसी ड्राइव चलता हुआ? बिल्कुल नहीं। वहां चला रहे लिटरेसी ड्राइव 24/7 हम चला रहे। और क्या मैं अभी जो एक एक मंजर आपको दिखाई ना कि कॉर्पोरेट में वार्ड वाइज जो चलना चाहिए इस तरह बोल के जो मंजर आपको बताई ना, आपको ये मंजर किसी कॉर्पोरेटर एमएलए एमपी या ऑफिसियल या रिस्पांसिबल ओपन स्कूल ऑफिसर कहीं आपको दिखा कभी ये मंजर? एक्शन प्लान में ये आता ही नहीं भाई।
डायरेक्टर से बात करके हम बोल रहे सर आप चलाइए सर ये मुहिम, आप हम चला रहे लिटरेसी, आप चलाए बहुत असर गिरता, आप रखिए, आप लोग आते, ये एक एक वार्ड से आपको 100-100 से ज्यादा बच्चे मिल जाते कि जो टेंथ नहीं है, ओवर एज है, शॉपों में जाके बैठ जा रहे हैं, पैसे नहीं है, माँ बाप शॉपों में स्कूल छुड़ा रहे, शॉपों में बिठा रहे, लोग कामा कर ले रहे हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी क्या रहेंगी उनकी, ऐसे कई मिल जाएंगे आपको सर। लेट अस मेक इट 100% तेलंगाना। कितना कितना मैं इन लोगों से बात करके ऑफिसर्स को जो बैठे बैठाए तनखे ले रहे उनको मैं एंकरेज कर रही हूँ, और कांग्रेस की तो जिम्मेदारी है भाई, आप घर घर वोट गए, आप घर घर जाके मुहिम चलाइए कि कितने इल्म है और उनको बेइल्म है, और उनको इल्म वाले बनाइए, उनको 10th तक लाइए, उनको 7th तक लाइए, आपकी जिम्मेदारी आपकी फर्ज है, ये आपको पूछ है इस बारे में, संविधान से भी है, संविधान से है। जी जिस तरह से आपने कहा कि जो ओपन स्कूल SSC है इस ताल्लुक से कोई भी मुहिम नहीं चलाता, हालांकि रेजिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है और पूरे सीट्स फुल हो रहे हैं, अब तो कॉलेजेस भी खुल गए हैं और भी खुलने वाले हैं, तो इसको इस पर पूरी तवज्जो है, मगर ओपन स्कूल सोसाइटी के जो तहत जो आते हैं SSC और इंटरमीडिएट उस पर तवज्जो नहीं है। बहरहाल आपने बहुत अच्छी तरफ तवज्जो दिलाई है, उम्मीद की जाती है कि चीफ मिनिस्टर साहब और एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह इस ताल्लुक से तवज्जो देंगे और जितना हो सके जल्दी ओपन स्कूलिंग के SSC के बच्चों को कामयाब करार देंगे बगैर इम्तिहान के, क्योंकि हालात अभी सुधरे नहीं हैं, कोविड का ख़तरा अभी है, लॉकडाउन भी पार्शल है मगर जारी है, तो ऐसे तमाम हालात के चलते आप डिक्लेयर कर दीजिए कि जो है ये बच्चे पास हो गए, ताकि मिनिस्टर से वही उम्मीद है। जी इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं, विवियन पर बात करने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह।